हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विंस की रसोई। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे बच्चे और बड़े दोनों बहुत ही पसंद करते हैं। इसका नाम है। आज आप बच्चों से पूछिए एक बार कि आपको क्या पसंद है, वो क्या कहेंगे। फर्स्ट थिंग उनकी जुबान में जो आएगा वो है पिज्जा। बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद आता है। ये इतना इजी रेसिपी है, मैंने इसमें वेजिटेबल्स का यूज किया है। जो भी मेरे घर पे था मैंने उसी से बनाया है। आपके पास भी जो भी हो आप उसी से बनाएं। मैंने एक रेडीमेड पिज्जा बेस का यूज किया है। और द बेस्ट पार्ट इज मैंने इसमें माइक्रोवेव की यूज नहीं करी है, मैंने सिर्फ इसे तवा में बनाया है। और लोग इसके लिए पिज्जा सॉस मार्केट से लेकर आते हैं, बट मैंने पिज्जा सॉस घर पर बनाया है। ये देखिए दोस्तों, कितना थिक पिज्जा सॉस मैंने घर पर बनाया है। आप इसे आसानी से 3 से 4 हफ्तों तक घर में रख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इंस्टेंट वेज पिज्जा तवा पिज्जा बनाने की रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिज्ज़ा सॉस बना लेंगे। अगर आप चाहें तो आप स्टोर से भी ला सकते हैं, ये मैंने घर पे बनाना सीखा है। तो इसके लिए मुझे 2 टमाटर की ज़रूरत होगी, 1 बड़े प्याज की ज़रूरत होगी और कुछ हरी मिर्च की ज़रूरत होगी। साथ ही हमें चाहिए चिली फ्लेक्स और ओरिगानो और साथ में काली मिर्च और नमक। तो सबसे पहले हम इन टमाटर को और साथ ही प्याज को बॉयल कर लेंगे। इसको आप एक जगह पे रख ले, इसके साथ में थोड़ा सा पानी डालकर इसे उबाल ले। ये मैंने इसे एक पॉट में ले लिया है। अब हमें प्याज को छील के डालना है, तो मैं जल्दी से प्याज को छील लेता हूँ। अब ये हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि कैसे मेरा टमाटर और प्याज बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगा और इसे ठंडा करके एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लूँगा। क्योंकि टमाटर ठंडा हो चुका है, इसमें जल्दी से थोड़ा सा काट लूँगा डालेंगे। प्याज को काटने की कोई जरूरत नहीं है, फिर हम ऐसे ही डालेंगे, ठीक है। साथ ही हम ये 4 लहसुन डाल देंगे, साथ में ये हरी मिर्च को हम डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर, नमक, भी ओरिगानो को डाल देंगे इसमें, ये चिली फ्लेक्स को भी इसमें डाल देंगे, चिली को डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल देंगे। अब हम इसे ढककर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, फिर हमारा पिज्जा सॉस रेडी हो जाए। टोमेटोज, अनियंस और गार्लिक और साथ ही हर्ब्स को एक साथ पेस्ट कर दिया है। ये पिज्ज़ा सॉस बनाने की बेसिक रेसिपी है, तो देखते हैं अभी कैसे बना है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगा, कितना थिक बना है, बिल्कुल स्ट्रोबॉट लग रहा है। अगर आप चाहें तो आप मार्केट से भी इसे इजीली खरीद सकते हैं, ये हर जगह इजीली अवेलेबल है, बट मैं अभी मार्केट का प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं घर पे बनाना प्रेफर करता हूँ। तो ये मैंने एक स्ट्रोबॉट पिज्ज़ा बेस ले लिया है, इसके ऊपर हम पहले पानी ब्रश कर लेंगे। पानी ब्रश करने से ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और क्रिस्पी नहीं होगा। अब मैं अपने पिज्जा बेस के ऊपर पिज्जा सॉस लगा लूंगा। अब मैं अपने पिज्जा के ऊपर मोज़रेला चीज डाल दूंगा। गाइस, आपको जितना चीज़ी चाहिए आप उतना चीज़ डाल सकते हैं। मुझे अपना बेस बहुत चीज़ी पसंद है, तो मैंने मोज़रेला चीज़ ज़्यादा करके डाला हुआ है। आप अगर चाहे तो आप प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन आइडियली आपको मोज़रेला चीज़ ही डालना चाहिए। अब मैं टॉपिंग के लिए मैं प्याज को काट लूँगा। मुझे प्याज को सर्कुलर रिंग्स में काटना है। इसके
के लिए मैं उसे पहले छील लूँगा, ऊपर नीचे काट लूँगा, फिर उसे गोल गोल काट लूँगा। गाइस बिल्कुल इसी तरीके से हमें अनियन के रिंग्स निकाल लेने हैं और इसको हमें अपने पिज्ज़ा के ऊपर डेकोरेट कर लेना है। आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसे डेकोरेट किया हुआ है अपने पिज्ज़ा के ऊपर। अब प्याज लगाने के बाद हमें शिमला मिर्च को अच्छे से काट लेना है। शिमला मिर्च को काटने का तरीका मैंने यहाँ पे बताया है, आप देख सकते हैं कैसे मैंने पहले उसके साइड्स को निकाल दिया है। अब इन साइड्स को हम धीरे धीरे निकाल लेंगे, फिर एक साइड को लेकर हम उसे बारीक बारीक लंबा लंबा काट लेंगे और इसे अपने पिज्ज़ा के ऊपर डेकोरेट कर लेंगे। शिमला मिर्च लगाने के बाद हम टोमेटोज़ को लगा लेंगे। टोमेटोज़ को भी मैंने राउंड सर्कल्स में काट लिया है और इसे मैं चारों तरफ डेकोरेट कर लूँगा। टमाटर की टॉपिंग लगाने के बाद हम इसमें ब्लैक ऑलिव्स लगा देंगे। फ्रेंड्स क्योंकि मैं तवा पिज्ज़ा बनाने वाला हूँ इसलिए मैं अब इस पिज्ज़ा को उठाकर एक तवे पर रख लूँगा। पहले इस तवे पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर लूँगा, उसके बाद इस पिज्ज़ा को उठाकर मैं इस पैन पे रख दूँगा। अब क्योंकि मुझे ये चीज़ बस पिज्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़ बनाना है इसलिए इसके ऊपर मैं और चीज़ डाल लूँगा। मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का ही दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। पिज़्ज़ा भी सारा टॉपिंग डल चुका है, अब हम इसे कवर कर देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसे गैस पे लो फ्लेम पे रख देंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कैसे चीज़ मेल्ट करने लग गया है, वो कितना अमेजिंग लग रहा है। सो फ्रेंड्स ये मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब इस पिज़्ज़ा को मैं इस तवे से निकाल कर एक प्लेट पे रख लूँगा। चाकू ले ले या पिज्ज़ा कटर ले ले और इस पिज्ज़ा को 4 या 6 पीसेस में अच्छे से काट ले। हैव अ लुक एट दिस गाइस, कितना चीज़ी लग रहा है, इज़न्ट इट जस्ट लाइक द स्टोबॉट वंस। कितना चीज़ी, कितना अमेजिंग, आई कांट वेट टू डिग इन। आप भी इसकी रेसिपी जल्दी नोट करें और इसे डेफिनेटली बनाएं। अब चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो डालकर अपने पिज्ज़ा को सीजन कर ले और बस इसे सर्व करें। सो दिस इज़ इट गाइज, ये बन गया हमारा वेज तवा पिज्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़ रेडी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।